मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में हड़ताली मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। PSAC का वजीर आजम से मुजाकरात में शामिल होने का मुतालबा। ट्रेजरी बोर्ड ने यूनियन के मुतालबात को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। टोरंटो के सबसे बड़े स्कूल बोर्ड का इस्लामोफोबिया के खिलाफ बड़ा फैसला। TDSB के ट्रस्टीज का इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए वोट। TDSB का कहना है कि इस्लामोफोबिया हमारे तलबा और अमले को मुस्तकिल बुनियादों पर मुतासर कर रहा है। कनाडा का सूडान में फंसे शहरियों को वापस लाने का मिशन। पहली परवाज में 45 जबकि दूसरी परवाज से 73 अफराद को निकाला गया। परवाजों में दीगर ममालिक के शहरी भी शामिल थे। सूडान में पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान जंग। आलमी ताकतें जंग बंदी के लिए मुतहरिक। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि सूडान में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए अक्वामे मुतहदा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा का मुस्तकिल जंग बंदी के लिए उम्मीद का इजहार। तुर्किया भी जौहरी ताकत रखने वाले ममालिक की सफ में शामिल। अकोयो जौहरी प्लांट की पैदावारी सलाहियत 4800 मेगावाट होगी। तुर्क सदर का कहना था कि मंसूबा तुर्किया की कुदरती गैस की दरामदात को सालाना 1.5 अरब डॉलर तक कम करने में किरदार अदा करेगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ke 48 groupon ke rehnumaon ne Wazir Azam Justin Trudeau se muzakarat mein shamil hone ka mutalba kar diya. Mazeed janenge is report mein. कनाडा में PSAC के हड़ताली मुलाजमीन ने हड़ताल का दायरा मुल्क के सबसे बड़े एयरपोर्ट तक बढ़ा दिया। सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन जुमेरात को टोरंटो पेरिसन एयरपोर्ट पर एक तरजीही पैकेट लाइन के लिए रवाना हुए। उन्हें उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत में तेजी आएगी और पिछले हफ्ते शुरू होने वाले बड़े पैमाने पर मजदूरी में खलल पड़ जाएगा। पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा, जो इस वक्त हड़ताल पर मौजूद 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदगी करता है, ने जुमेरात को एक न्यूज़ रिलीज में इस मुजहरे को उनकी मुलाजमत की कार्रवाई में अब तक की इजाफा करार दिया। यूनियन की ओंटेरियो ब्रांच के इलाकाई एग्जीक्यूटिव नायब सदर क्रैग रेनॉल्ड्स ने मकामी मीडिया को बताया, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि वफाकी हुकूमत ने हमारी जिंदगियों में खलल डाल दिया है और अब वक्त आ गया है कि वो खुद कुछ रुकावटें महसूस करें। यूनियन का कहना है कि एहतजाज के लिए 500 के करीब कारकुनों को बसों के साथ इलाके में बंद कर दिया गया था, लेकिन रेनॉल्ड्स का कहना है कि मेम्बरान काम पर होंगे। ये शर्म की बात है, हम बेहतर के मुस्तहिक हैं और हम यहाँ होंगे। हम उस वक्त तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि हमें मुनसिफाना मुहिदा नहीं मिल जाता। टोरंटो पेरिसन एयरपोर्ट ने कहा कि मुजाहरे की वजह से हवाई अड्डे तक रसाई में ताखिर हो सकती है। आज सुबह उसने कहा कि उसे अपनी रवानगी के किनारे वाले इलाकों में मामूली रुकावट का सामना करना पड़ा और तमाम मुसाफरों को मशवरा दिया कि वो एहतजाज के इर्द गिर्द मनसूबाबंदी करें। एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना था कि हम पील रीजनल पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी रहे, लेकिन मुसाफरों को मशवरा देते हैं कि अगर वो आज पियर्सन से परवाज कर रहे हैं तो अपने आप को इजाफी वक्त दें। हड़ताल कौमी दारुलहुकूमत के सबसे बड़े आजर के एक अहम हिस्से को मुतासर करती है, तकरीबन 30 महकमों में खलल डालती है और इनकम टैक्स गोशवारों और पासपोर्ट की प्रोसेसिंग समेत मुतादिद खिदमात को मुतासिर करती है।
यूनियन के अहम मसाइल में ज़िंदगी की बढ़ती हुई लागत के मुताबिक तनख्वाह में इजाफा और अगले मुहाइदे में रिमोट वर्क पॉलिसी शामिल है। वफाकी हुकूमत ने 3 सालों में 9% इजाफे की पेशकश की है, एक ऐसा इकदाम जिसके बारे में मुज़ाकरातकारों का कहना है कि उससे औसत कारकुन की जेब में $6,250 का इजाफा होगा। TDSB के ट्रस्टीज ने इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए वोट दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। TDSB के ट्रस्टीज ने इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए वोट दिया है। अमला मौसम खिजा में ट्रस्टीज को हिकमत अमली पर अपडेट पेश करेगा। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने मुतफ़क्का तौर पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ हिकमत अमली तैयार करने के लिए वोट दिया, जो ओंटारियो में इस तरह की कोशिश के साथ आगे बढ़ने वाला दूसरा बोर्ड बन गया। ये इकदाम इस तहरीक के बाद किया गया है जिसमें कहा गया है कि अंदरूनी डेटा से पता चलता है कि इस्लामोफोबिया TDSB नेटवर्क के अंदर अकीदे पर मबनी नफरत की दूसरी सबसे ज्यादा रिपोर्ट शुदा शक्ल है। TDSB की चेयर रिचल चर्नोसलिन ने वोट के बारे में एक बयान में कहा, हमने अपनी कम्युनिटी से बराह रास्त सुना है और हमारे पास ये जाहिर करने के लिए डेटा मौजूद है कि इस्लामोफोबिया हमारे तलबा और अमले को मुस्तकिल बुनियादों पर मुतासिर कर रहा है। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए तवज्जो मरकूज करते हुए हम अपनी स्कूल की कम्युनिटी के मजीद अराकीन को स्कूल और काम में महफूज और खुशाइन महसूस करने के काबिल बनाते हैं। स्कूल बोर्ड का अमला अब इस हिकमत अमली की तरक्की और नफाज के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जो मौसम खिजा में ट्रस्टीज को पेश की जाएगी। बोर्ड का कहना है कि ये काम उसकी वसीतर इंसदाद नफरत और इंसदाद नस्ल परस्ती की हिकमत अमली पर इस्तवार करेगा, जिसके बारे में इसका कहना है कि नस्ल परस्ती, नफरत और इम्तियाजी सलूक की तमाम इकसाम को हल किया जाएगा। कनाडा ने सूडान से इनखला की पहली 2 परवाजें मुकम्मल करनी हैं, ताहम जंगजदा मशरकी अफ्रीकी मुल्क से इनखला की तफसीलात अभी तक मालूम नहीं हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा ने सूडान से इनखला की पहली 2 परवाजें मुकम्मल करनी हैं, ताहम जंगजदा मशरकी अफ्रीकी मुल्क से इनखला की तफसीलात अभी तक मालूम नहीं हैं। कनाडा ने कैनेडियन और दीगर गैर मुल्की शहरियों को सूडान से निकालने के लिए अपनी पहली 2 इनखला की परवाजें चलाई हैं और वफाकी हुकूमत जमीन पर हालात पर इन्हिसार कर रही है, मजीद हवाई अड्डों का वादा कर रही है क्योंकि उसके नाकिदीन उस पर बहुत आहिस्ता कार्रवाई का इल्जाम लगा रहे हैं। जुमेरात को नोवा स्कोशिया में एक तकरीब में वजीर दिफा अनीता आनंद ने पहली परवाज का ऐलान किया, लेकिन कुछ तफसीलात पेश की। कनाडा के महकमा कौमी दिफा और आलमी उमूर के सीनियर अहदेदारों ने ऑटावा में दिन के आखिर में एक तकनीकी ब्रीफिंग में बात करते हुए तस्दीक की कि दूसरी परवाज खरतूम से रवाना हुई थी। इनखिला की पहली परवाज में 45 अफराद सवार थे, दूसरी परवाज ने जंगजदा मुल्क से 73 अफराद को निकाला। हुक्काम ये नहीं बता सके कि दोनों परवाजों से निकाले जाने वाले कितने कैनेडियन थे, लेकिन एक खुफिया जरिए ने CBC न्यूज को बताया कि 7 कैनेडियन शहरी सूडान से पहली परवाज में थे और 37 दूसरी परवाज पर थे। दोनों परवाजों में सूडान, अमरीका, जापान, बरतानिया और जबूती के लोग शामिल थे। मजीद परवाजों का मंसूबा है, लेकिन वफाकी हुक्काम ने तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया है। आलमी उमूर कनाडा ने कहा कि सूडान में 1800 तक कैनेडियन फंसे हुए हैं और तकरीबन 700 ने वफाकी हुकूमत से बाहर निकलने के लिए मदद की दरख्वास्त की है। वफाकी हुकूमत के इनखिला की फहरिस्त में शामिल तकरीबन 200 अफराद अब तक या तो अपनी पहल या इत्तेहादी फौजी परवाजों के जरिए मुल्क से बाहर जा चुके हैं। आनंद ने कहा कि रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के CC-130 हरकुलिस तैयारे ने ऑपरेशन किया। वफाकी हुक्काम का कहना है कि ये वाहिद ट्रांसपोर्ट तैयारा है जो इस मिशन के लिए मौजूद है, क्योंकि खरतूम से 30 किलोमीटर दूर मिलिट्री एयरपोर्ट का रनवे आने और जाने वाली परवाजों से खूब मसरूफ रहा है। इनखिला की परवाजें जबूती जा रही हैं। हुक्काम ने बताया कि ग्लोबल अफेयर्स कनाडा वहां से लोगों को कीनिया ले जाने का इंतजाम कर रहा है, जहां वो अपने आगे के सफर के जिम्मेदार होंगे। वफाकी हुकूमत इस उसूल से मुस्तस्ना है और ऐसे लोगों को कर्जे पेश करती है जो सफर की लागत को पूरा नहीं कर सकते। हुक्काम ने जुमेरात को बताया कि अब तक ऐसे 30 कर्जे 70 इनखिला करने वालों को दिए गए हैं, जिनकी कुल लागत 1,70,000 है। कैनेडियन वजीर दिफा अनीता आनंद का कहना था कि ये बहुत अच्छी खबर है और मैं अपने कैनेडियन मुसल्ह अफवाज के अहलकारों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो ऐसा करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। सूडान में जारी खाना जंगी के किसी देरपा हल या मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुँचने के लिए बैन अल-अक़वामी और इलाकाई कोशिशें जारी हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूडान में जारी खाना जंगी के किसी देरपा हल या मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुँचने के लिए बैन अल-अक़वामी और इलाकाई कोशिशें जारी हैं।
अक्वामे मुत्तहदा समेत दीगर आलमी इदारे भी मुस्तकिल जंग बंदी के लिए हल तलाश कर रहे हैं, जबकि सूडानी फौज और सरियुल हरकत फोर्सेस के दरमियान मुसलसल 13वें रोज भी लड़ाइयां और झड़पें जारी रहीं। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गुज़िश्ता रोज अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के साथ वाशिंगटन में वजारत के हेडक्वार्टर से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनका मुल्क इस मसले के हल तक पहुंचने के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि इस वक्त अहम बात सूडानी बहरान को खत्म करना और मुल्क को वापस सिविलियन हुकूमत के हवाले करना है। हम बहरान से निमटने के लिए अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि मुस्तकिल जंगबंदी का मुहैदा तय पा जाएगा। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि सूडान में बहरान से निमटने और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अक्वामे मुत्तहदा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा ने इस बात पर जोर दिया कि उनका मुल्क सूडान में इक्तदार सिविलियन को मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा है। इस मकसद के लिए अक्वामे मुत्तहदा के साथ मिलकर कोशिशें करता रहेगा। हमें उम्मीद है कि हम मुल्क को सिविलियन ज़ेरे क़यादत हुकूमत में वापस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अब्दुल फताह बुरहान की क़यादत में फ़ौज और मोहम्मद हमदान दखलू की क़यादत में सरियुल हरकत फोर्सेस के दरमियान जंगबंदी को वसअत देने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। ख्याल रहे कि सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान लड़ाई 15 अप्रैल को शुरू हुई थी, जिसके बाद ये झड़पें 11 सूबों तक फैल गईं। लड़ाई के दौरान जंगबंदी की कई कोशिशें नाकाम रहीं। खबर इस एजेंसी के मुताबिक सूडान में अब तक 512 अफराद हलाक और 4,193 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इस हवाले से अक्वामे मुत्तहदा का कहना है कि सूडान से अब तक 45,000 अफराद नकल मकानी कर चुके हैं, जबकि खदशा जाहिर किया गया है कि लड़ाई जारी रही तो 2,70,000 अफराद मुल्क छोड़ सकते हैं। तुर्किया अहम संगे मील उबूर करते हुए जौहरी ताकत रखने वाले ममालिक की सफ में शामिल हो गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तुर्किया अहम संगे मील उबूर करते हुए जौहरी ताकत रखने वाले ममालिक की सफ में शामिल हो गया। तुर्किया ने रूस के तावुन से तामीर किए गए मुल्क के पहले जौहरी पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। अकोयो जौहरी प्लांट तुर्किया के जनूबी सूबे मरसिन में तामीर किया गया है, जिसकी पैदावारी सलाहियत 4,800 मेगावाट और 4 रिएक्टर्स तक मुतवक्के है। जौहरी प्लांट इस साल के आखिर में बिजली की पैदावार शुरू करने के काबिल हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने पहली बार अकोयो पावर प्लांट को जौहरी ईंधन की तरसील की तकरीब से अपने वर्चुअल खिताब के दौरान कहा कि तरक्की 60 साल की ताखीर के बाद दुनिया में जौहरी ताकत रखने वाले ममालिक की सफ में शामिल हो गया है। अकोयो पावर प्लांट को हवा और समंदर के जरिए जौहरी ईंधन की तरसील के साथ इस प्लांट ने अब एक जौहरी प्लांट का दर्जा हासिल कर लिया है। याद रहे कि अकोयो जौहरी प्लांट के लिए तुर्की और रूस के दरमियान एक बैनुल हुकूमती मुहिदे पर मई 2010 में दस्तखत किए गए थे और प्लांट के संगे बुनियाद की तकरीब 3 अप्रैल 2018 को मुनक़िद हुई थी, जिसके बाद पहले यूनिट पर तामीर शुरू हुई। तुर्क सदर तैयब ने कहा कि बहुत से अहम मंसूबों की तरह अकोयो को फाइनेंसिंग मॉडल के साथ लागू किया गया, जो हमारे कौमी बजट पर बोझ रही है और रूस के साथ हमारी सबसे बड़ी मुश्तरका सरमायाकारी है। उन्होंने मजीद कहा कि यह मंसूबा तुर्किया की कुदरती गैस की दरामदात को सालाना 1.5 अरब डॉलर तक कम करने में किरदार अदा करेगा और कौमी आमदनी में इजाफे का भी बाइस बनेगा। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। News are precise and effective.